पर्ल हार्बर 2001 में आई एक रोमांटिक वार ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है माइकल बे ने। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 1923 से, जहां टेनिसी में एक गैराज के ऊपर एक प्लेन उड़ रहा होता है। गैराज में दो बच्चे रेब और डेनी एक पुराने प्लेन में खेल रहे होते हैं और ये खेल में वर्ल्ड वॉर वन में जर्मन्स को मारने का नाटक कर रहे होते हैं। तभी वहां डेनी के पिता अपने प्लेन लेकर उतरते हैं। डेनी और रेब उस प्लेन में जाकर खेलने लगते हैं। तभी प्लेन शुरू हो जाता है। दोनों बहुत घबरा जाते हैं, मगर प्लेन थोड़ी दूर चलकर रुक जाता है। डेनी के पिता वहां आकर उसे पीटने लगते हैं। रेब ये देखकर एक लकड़ी के फट्टे से उन पर हमला कर देता है और उन्हें कहता है कि आप एक गंदे जर्मन हो। डेनी के पिता कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन में मैं जर्मन्स के खिलाफ लड़ा था और मैं नहीं चाहता कि अब ये फिर से हो। किसी को भी वो मंजर ना देखना पड़े, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में लाखों लोगों की जान चली गई थी। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। डेनी रेब को कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। धीरे धीरे वक्त बीतता है और समय आता है 1941 का, जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो चुका था, जिसमें हिटलर ने जर्मन सेना को लेकर यूरोप पर हमला कर दिया था, मगर अमेरिका अभी तक इस वॉर में शामिल नहीं हुआ था। रेब और डेनी अब बड़े होकर एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट है। एक दिन रेब को उनका मेजर जिम्मी बुलाता है और बताता है कि ब्रिटिश सेना ने रेब को ईगल स्क्वाड्रन के लिए चुन लिया है और अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। इसके बाद जिम्मी ये भी कहता है कि आज नहीं तो कल अमेरिका को भी इस वॉर में शामिल होना पड़ेगा और तब मुझे तुम्हारे जैसे एक अच्छे पायलट की जरूरत पड़ेगी और इसलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें रोक लूं। रेब उनसे पूछता है कि सर आप हमारी जगह होते तो क्या करते। जिम्मी जवाब देता है कि मैं चला जाता। ये सुनकर रेब भी जाने की तैयारी करने लगता है। दरअसल होता यह है कि हिटलर यूरोप पर हमला करके उसे कमजोर कर देता है और लगातार हमला कर ही रहा होता है। ऐसे वक्त में ब्रिटिशर्स अमेरिका के मदद मांगते हैं। अब डेनी को पता चलता है कि रेब ब्रिटेन के लिए वॉर में जा रहा है तो वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वॉर में जाना कितना खतरनाक है। रेब उसे समझाता है कि वो अगर अभी नहीं गया तो कुछ साल में 25 साल का हो जाएगा और उसे ये लोग सिर्फ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनाकर रख देंगे, मगर उसे फाइटर बनना है। इसके बाद रेब मेडिकल चेकअप के लिए जाता है, जहां उसकी नजर की और अलग अलग तरह की जांच की जाती है। रेब जब आंखों के चेकअप के लिए जाता है तो वहां उसे नर्स एवलिन मिलती है। रेब को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है और ये बात एवलिन को पता चल जाती है, जिसके बाद वो कहती है कि सेना के लिए 20x20 आई विजन की जरूरत होती है। रेव समझाता है कि उसे सिर्फ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है और वो भागते हुए खरगोश को भी शूट कर सकता है। उसका ये जुनून देखकर एवलिन उसे टेस्ट में पास कर देती है। रेव को उससे प्यार हो जाता है और जब वो उसे इजहार करने जाता है तो गलती से लगे ज्यादा इंजेक्शन की वजह से वहां बेहोश हो जाता है। रात को वो फिर से एवलिन से बात करता है और दोनों में बात होते होते प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद बात करते हुए एवलिन रेव से कहती है कि पर्ल हार्बर पर पता नहीं क्या होगा। रेव उसे बताता है कि कल वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए जंग पर जा रहा है। एवलिन ये सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता। वो कहती है कि तुम US आर्मी में हो, वो तुम्हें ऐसे कैसे भेज सकते हैं। रेव बताता है कि ये उसका फैसला था, वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था, वो फाइटर की तरह लड़ना चाहता था। वो एवलिन को दूसरे दिन स्टेशन पर छोड़ने आने से भी मना कर देता है, क्योंकि ये रेव के लिए मुश्किल होगा। अगले दिन रेव डेनी से विदा लेकर जंग पर चला जाता है। उधर अमेरिका में प्रेसिडेंट मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि कब तक हम ये ढोंग करते रहेंगे कि वर्ल्ड वॉर टू नहीं हो रहा है, हमें कभी ना कभी तो जंग में उतरना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो अपने पड़ोसी देशों की मदद करे, मगर बाकी के लोग इस बात से सहमत नहीं होते। प्रेसिडेंट कहते हैं कि दुश्मन हथियार बना रहा है, बम बना रहा है और हम यहाँ रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं। हम कितना भी कोशिश कर ले मगर वॉर को नहीं रोक सकते।
दूसरी तरफ जापान अमेरिका से परेशान है क्योंकि अमेरिका ने उनकी तेल की सप्लाई रोक दी है और उन्हें अभी तेल की बहुत जरूरत है। जापान के नेता कहते हैं कि उन्हें अब अमेरिका के पैसिफिक फ्लीट पर अचानक हमला करके उनका पर्ल हार्बर बर्बाद कर देना चाहिए। रे विदर जंग में अपना प्लेन उड़ाता है और कई दुश्मनों के प्लेन्स को बर्बाद भी करता है। इसी के साथ वो एवलिन को लेटर लिखकर वहाँ के हालात के बारे में भी बताता है कि यहाँ हर कदम पर खतरा है। कल वो जिन दो पायलट्स के साथ बियर पी रहा था वो आज मारे गए। उसके अगले दिन जब रे प्लेन लेकर निकलता है तो दुश्मन प्लेन उस पर बॉम्ब से हमला करते हैं। इससे उसके प्लेन में आग लग जाती है और वो क्रैश होकर पानी में कहीं खो जाता है। सब लोग ये मान लेते हैं कि रेव मर चुका है। इस बात की खबर एवलिन को देने के लिए डेनी जाता है क्योंकि रेव ने उसे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो एवलिन को जाकर संभाल ले। रेव की मौत की खबर सुनकर एवलिन बहुत दुखी हो जाती है। वक्त गुजरता है और यादें धुंधली होने लगती है। एवलिन के दोस्त भी उसे कहते हैं कि उसे सब भूल कर आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे डेनी भी एवलिन को पसंद करने लगता है। वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। एवलिन को समझ आता है कि उसे भी अब जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो दोनों करीब आ जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन डेनी एवलिन को आर्मी से छुपकर अपने प्लेन में बिठाकर सनसेट दिखाने भी ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जापान अमेरिका पर अटैक करने और पर्ल हार्बर को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा होता है। वो पर्ल हार्बर की तस्वीरें लेता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनका कौन सा जहाज किस जगह पर है। जापान अमेरिका के रेडियो सिग्नल्स पर भी गलत मैसेज भेजता है जिसे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी बीच जापान का जहाजों का झुंड अचानक समंदर में कहीं गायब हो जाता है और अमेरिका की रडार में नहीं दिखता है। अमेरिका इस बात से चिंता में पड़ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि जापान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि जापान उनके पर्ल हार्बर को ही खत्म करने की तैयारी कर चुका है। वहीं 6 दिसंबर की रात को एवलिन के सामने अचानक से रेव आ जाता है। एवलिन उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे बताती है कि उन्हें खबर मिली थी कि वो मर चुका है। रेव कहता है कि उसका जहाज क्रैश होकर पानी में डूब गया था, मगर फिर वो उसमें से बच निकला और उसे फ्रेंच की सेना ने बचा लिया। उसके बाद मैं फ्रांस में था, वहां से तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया, मगर मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था, और देखो आज मैं आ गया। एवलिन उसे यहाँ बता देती है कि अब वो और डेनी एक साथ हैं। इस बात पर रेव को बहुत दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। उसे लगता है कि डेनी ने उसे धोखा दिया है। उसी वक्त वहाँ डेनी भी आ जाता है, मगर रेव उससे बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जापान के सैनिक रेडियो पर गाना सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर अमेरिका को हमारे हमले का शक हुआ भी तो हमें रेडियो से पता चल जाएगा। अगले दिन रेव और उसके दोस्त रेव के लौट आने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं, तभी वहां डेनी भी आ जाता है। डेनी रेव से बात करने की कोशिश करता है, मगर रेव उसकी एक नहीं सुनता। डेनी समझाता है कि जब उसके मरने की खबर आई तो हम दोनों ही अकेले हो गए थे, उन्हीं दिनों दोनों करीब आ गए, इसमें किसी की गलती नहीं है। रेव तभी भी उसकी बात नहीं समझता और उनके बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है। बाहर एक गाड़ी में दोनों बात भी करते हैं जिसमें डेनी कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर रेव कहता है कि अब हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद वो दोनों उसी गाड़ी में सो जाते हैं। इधर अमेरिका जापान के रेडियो सिग्नल्स को डिकोड कर लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि जापान उन पर हमला करने वाला है, मगर अभी भी उन्हें हमले की लोकेशन का कुछ पता नहीं चलता। जापानीज का प्लान होता है सुबह सुबह पर्ल हार्बर के पैसिफिक फ्लीट पर हमला करके उसे पूरी तरह तबाह कर देना और अमेरिका को हैरान कर देना। वो हमले के दिन पहाड़ों से भी नीचे अपने प्लेन उड़ाकर पर्ल हार्बर तक पहुंचते हैं और अचानक हमला कर देते हैं। ये अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला होता है जिसमें पूरा पर्ल हार्बर बर्बाद हो जाता है, मगर इसी बीच किसी तरह से बचकर रेव और डेनी अपने प्लेन्स तक पहुंच जाते हैं और अपनी टीम के साथ मिलकर जापानियों के प्लेन्स पर हमला कर देते हैं। जापानियों के यहाँ 350 प्लेन्स होते हैं जिनमें से कुछ इनका पीछा करने लगते हैं, मगर रेव और डेनी अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करके उनके 29 प्लेन्स को क्रैश कर देते हैं। ये जापान के लिए बड़ा नुकसान नहीं होता, मगर अमेरिका इस हमले के बाद काफी सदमे में आ जाता है।
वहां की जनता घबरा जाती है और फिर तारीख आती है 7 दिसंबर 1941, जिसे इतिहास कभी भी भूल नहीं सकता। इस दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि जापान इस हमले की बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था और इसी बीच जापान ने यूनाइटेड स्टेट्स से शांति की बात करके उसे धोखे में रखा था। अब अमेरिका जापान के साथ वॉर डिक्लेयर करता है और अमेरिका अपना बदला लेकर रहेगा। इसके बाद प्रेसिडेंट अपनी टीम से बात करते हैं कि जापान पर वो कैसे हमला कर सकते हैं, जिसमें सब कहते हैं कि बिना बड़े नुकसान के ये मुमकिन नहीं है। इस बात पर प्रेसिडेंट नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये नहीं सुनना कि ये मुमकिन नहीं है, और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन प्रेसिडेंट के कमरे में दो ऑफिसर आते हैं जो जापान पर हमला करने का तरीका लेकर आते हैं। अगले दिन रेव और डेनी को कॉर्नल डूलिटल के एक सीक्रेट प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है जो कि जापान के खिलाफ होता है। वहां जाने से पहले एवलिन रेव से मिलने आती है और उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और डेनी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो उसे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती थी और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, मगर अब सब बदल गया है। वैसे ये बात अभी तक एवलिन ने डेनी को नहीं बताई थी कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद रेव सब कुछ समझता है और एवलिन और डेनी को माफ कर देता है। वो डेनी से ये भी कहता है कि उसे जंग में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां से लौटना लगभग मुश्किल है और वो नहीं चाहता कि एवलिन फिर से अपना प्यार खो दे। डेनी इस बात पर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुमने बचपन से मेरी रक्षा की है, मगर अब नहीं, और वो दोनों उस मिशन पर साथ जाने की बात करते हैं। इसके बाद एक टीम तैयार की जाती है जिसे टोक्यो पर हमला करना होता है, जो जापान के बिल्कुल बीच में है। इन्हें बताया जाता है कि नेवी टोक्यो से हमें 400 मील दूर छोड़ देगी और उसके बाद उन्हें जहाज से ही उड़ान भरनी पड़ेगी। इससे पहले कभी भी इन बॉम्बर्स और प्लेन्स ने आर्मी के जहाज से उड़ान नहीं भरी होती है क्योंकि उन्हें लंबा रनवे चाहिए होता है, इसलिए इन सभी प्लेन्स का वजन कम किया जाता है और उनमें जरूरी बदलाव किए जाते हैं। और फिर आखिर वो दिन आ ही जाता है जब अमेरिका अपना बदला लेने के लिए तैयार होता है। 2 अप्रैल 1942, जहाज पर रेव अपने कैप्टन से बोलता है कि जापान ने हम पर 350 प्लेन के साथ हमला किया था और हमारे पास सिर्फ 16 प्लेन हैं। हमारे छोटे से हमले से क्या फर्क पड़ेगा? जिस पर उनका कैप्टन कहता है कि उन्होंने हम पर हथौड़े से हमला किया था, मगर हम हमला करेंगे सीधा उनके दिल पर जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। हम अमेरिका को जीत का यकीन दिलाएंगे और ये हम करके रहेंगे। 18 अप्रैल को इन्हें जापान पर हमला करना होता है, मगर जहां से इन्हें उड़ान भरनी होती है उससे बहुत पहले ही इन्हें जापान के जहाज घेर लेते हैं। ये लोग यहां से उड़ान नहीं भर सकते थे क्योंकि इन्हें जापान पर हमला करके चीन पहुंचना था, पर अगर ये यहां से उड़ान भरते हैं तो इनके पास इतना फ्यूल नहीं है जिससे ये चीन की जमीन पर उतर पाए। मगर अब जब कोई दूसरा रास्ता नहीं होता तब ये 16 प्लेन्स वहीं से उड़ान भर लेते हैं। ये टोक्यो शहर पर पहुंचकर वहां हमला करते हैं और वहां तबाही मच जाती है। उसके बाद ये समंदर के ऊपर से उड़ते हुए चीन की तरफ बढ़ते हैं। इनके प्लेन्स में फ्यूल कम होने लगता है और ये घबरा जाते हैं, मगर तभी इन्हें जमीन दिखाई देती है और ये वहां अपने प्लेन्स लैंड करवा देते हैं। इसी लैंडिंग में डेनी और रेव का प्लेन वहां क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद भी उन्हें जापानी सेना से लड़ना पड़ता है जो उन पर गोलियों से हमला कर देती है। वो लोग डेनी को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद ये भी जापानी सैनिकों को मार देते हैं, मगर इस लड़ाई के बीच डेनी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। रेव उसे बताता है कि एवलिन उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इस बात से डेनी बहुत खुश होता है, मगर उसे पता होता है कि वो अब बच नहीं पाएगा, इसलिए वो रेव को कहता है कि अब उन दोनों का ख्याल तुम्हें ही रखना है। और इसके बाद डेनी रेव के हाथों में ही शहीद हो जाता है। चीन की मदद से बचे हुए सभी सैनिक अमेरिका वापस पहुंच जाते हैं। इससे पहले अमेरिका ने कभी जीत नहीं देखी थी, मगर इस जंग के बाद वो और मजबूत हो गए। अमेरिका के सैनिकों को सम्मानित किया गया। जब एवलिन को डेनी के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुई, मगर मौत पर किसका बस चलता है। आखिर में एवलिन रेव से शादी कर लेती हैं और अपने बच्चे का नाम वो डेनी ही रखते हैं।
उनका परिवार साथ में खुशी से रहने लगता है और इस तरह से कहानी खत्म होती है।